नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करना दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी के शेयर के बारे में। दोस्तों मारुति सुजुकी का जो शेयर है 12,832 रुपये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर 1.65 रुपये की गिरावट है, जो कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 0.01% की गिरावट है। स्टॉक मोमेंटम के साथ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको यह गिरावट कम देखने को मिल रही है। बाकी स्टॉक में गिरावट ज़्यादा देखने को मिली, फिर अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक ने अप ट्रेंड किया है। 12,900 रुपये के ऊपर अगर सर्किट लगता है स्टॉक में तो मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है। 12,800 का यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट जोन बनाया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 12,700 से लेकर 12,600 रुपये पर देखने को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से वापस अगर रिटेस्ट करता है 12,900 के ऊपर तो आपको स्टॉक 13,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, या फिर 13,000 से ऊपर अगर सर्किट लगता है तो 13,100 से लेकर 200-300 रुपये तक के जाने की संभावना है। लॉन्ग टर्म नज़रिया 13,500 से लेकर 14,000 और 15,000 रुपये तक के लॉन्ग टर्म नज़रिए के साथ स्टॉक है मारुति सुजुकी। 12,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ से अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो 12,400 लेकर 12,000 रुपये तक के नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड स्टॉक हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।